राकेश गुप्ता अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जालंधर के विक्टोरिया गार्डन में किया गया। इस मौके पर पंडितों द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राकेश गुप्ता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर के महासचिव राजेश विज, जालंधर कैंट के पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, दिव्य ज्योति संस्थान के स्वामी सज्जनानंद व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी गीता गुप्ता, चांदनी गुप्ता, सूर्य गुप्ता सहित शहर के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राकेश गुप्ता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जा रहा है उसे जानना जीवन का ध्येय है। जिंदगी के रहते रहते हम उसे जान ले और वो है हमारी आत्मसत्ता। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, कभी जलाया नहीं जा सकता, इसे कोई जल गीला नहीं कर सकता, इसे कोई हवा सुखा नहीं सकती। और जीवन का ध्येय है इसी आत्म तत्व को जागृत कर अपने अंतःकरण में उस परमात्म तत्व का दर्शन कर लेना, उसे देख लेना। कहीं हो लेकिन अर्जुन का विलाप कम ना हो। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन की सार्थकता सच्चाई बताने के लिए अर्जुन से कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूं क्या तुम धर्म युद्ध करोगे उसके बाद? प्राप्त होते हैं जिसने और जिस पुत्र ने माता पिता के मरणोपरांत गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध आदि वत्सो सर्ग आदि नहीं किया, वह तारने वाला पुत्र पुत्रात्मक पुत्र किस प्रकार हो सकता है? इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्न को करके धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप को धारण करना और इस गरुड़ पुराण के फल को सुनना अवश्य चाहिए। यह गरुड़ पुराण परम पद पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की यथा पूर्वक जिस प्रकार की कामना जैसी जिसने सोचता है वैसी ही कामना को यह गरुड़ पुराण पूरा करता है, अतः सदा इसे अवश्य सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य और धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से मुक्त हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनने के पश्चात विधि पूर्वक ब्राह्मण का पूजन यथोचित विधि से करना चाहिए। वाचक की पूजा ही मेरी पूजा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं स्वयं नारायण संतुष्ट होता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इति श्री गरुड़ पुराणे सदुद्वहार श्री नाम संपूर्ण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो विष्णु भगवान की जय।